ये आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, बैंकिंग स्पेस पे ही ध्यान है और एक्सिस बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। चार पांच दिनों के कंसोलिडेशन के बाद कल हमने एक फ्रेश ब्रेकआउट एक्सिस बैंक में देखा। 880 का एक रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया, तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉसेज 870 के रहेंगे, करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे और 905 रुपए की टारगेट आप सेट करेंगे। ये कैश लेवल्स है, यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड ले सकते हैं, जो एट द मनी कॉल ऑप्शन है 890 का, वहां पर आप खरीदारी करिए। 23 रुपए का भाव चल रहा है, 17 रुपए के स्टॉप लॉस से वहां पर खरीदारी करनी है 35 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो एक्सिस बैंक यहाँ पर आपको दाम लगाना है मानस की तरफ से। तो कल भी बैंकिंग पर काफ़ी कॉल्स थे, BTST कॉल्स भी सारी बैंकिंग पर थी और आज भी बैंकिंग पर कॉल, और लार्सन एंड ट्यूब्रो ऑब्वियसली वहाँ पर भी एक मोमेंटम है, तो ये इस समय की तीन ट्रेड। चलिए, आज दो राजेश हैं हमारे साथ शो में। राजेश सतपुते जी, पहले आपसे शुरुआत करेंगे, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, देखिए नजर तो बैंकिंग स्टॉक्स पे है कल से, और आज भी लगता है कि बैंकिंग में मोमेंटम होगा। सो जो भी सुबह में एक प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी, वो प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है कि एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी देगा फॉर इंट्राडे स्विंग ट्रेडर। सो नजर पे तो एक्सिस बैंक भी है, लेकिन कैनरा बैंक इन पर्टिकुलर मुझे बहुत बढ़िया लगता है, कल भी इसमें बात हुई थी, तो आई वुड लाइक टू रिएट्रेट द सेम। देखिए 302.80 के आसपास कल का क्लोज है, और सबसे बड़ी बात ये 300 के ऊपर का क्लोज है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट स्क्वीज मिलेगी ऑन और बिफोर एक्सपायरी। तो मुझे लगता है एक्सपायरी का टारगेट 315 से 320 का होगा, लेकिन अगर आपको आज का स्विंग ट्रेड लेना है तो आपको 300 के ऊपर बाय करना है, 296 का स्टॉप लॉस और 310 इसका पहला पड़ाव। अगर वो निकले फिर मुझे लगता है ये 315 प्लस को चेस करना शुरू करेगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।